तो गाइस बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि जो अपना यूटीआर नंबर होता है फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम में जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका एक यूटीआर नंबर होता है, उसको बहुत से लोग मांगते हैं आपसे जब आप पेमेंट करते हैं। तो उस यूटीआर नंबर को क्या हमें किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उससे कोई हमारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो सकता है नहीं हो सकता है, तो गाइज आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद हाँ वहाँ पर हमारी जो उसमें जाएंगे पेमेंट में, तो वहाँ पर हमारी दो चीज़ें जनरेट होती है, एक होती है ट्रांजेक्शन आईडी और एक होती है यूटीआर नंबर जिस अकाउंट से कटा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूटीआर नंबर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये वाला जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या होती है कि जो हमारी पेमेंट हुई है उसका स्टेटस को ट्रैक करने के लिए यूज होती है। तो जो यूटीआर नंबर होता है जब हम गूगल पर मतलब सर्च मारते हैं कि हम अपना यूटीआर नंबर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी जो ट्रांजेक्शन आईडी उसे हम दे सकते हैं नहीं, यहाँ पर लिखा है दिस कैन बी यूज टू रिजोल्व डिस्प्यूट और चेक द इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड येस इट इज़ टोटली सेफ टू शेयर ट्रांजेक्शन आईडी विदाउट विद कस्टमर सपोर्ट, बट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू शेयर इट अनऑथराइज पीपल टू स्ट्रेंजर, मतलब किसी आपको अनऑथराइज पर्सन को नहीं देना है, ठीक है। तो इसको जैसे हम मान लो जैसे हमारी कोई पेमेंट हुई है मान लो फोन पे से, तो हम उसको यहाँ पर जैसे शेयर करेंगे तो जैसे हम इस पर शेयर करेंगे तो जो हमारी जो पेमेंट है मतलब पूरा ये क्लिप जाएगा, तो इसमें क्या होती है हमारी ट्रांजेक्शन आईडी भी जाएगी और हमारा यूटीआर नंबर भी जाएगा, इन दोनों की मदद से। जैसे हमने किसी को मतलब पेमेंट की है तो उसको हम जैसे भेजेंगे तो उसे मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपना देख सकता है कि मेरे को पेमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है। और उसको नहीं हुई है तो अपना मतलब बैंक में जाके यूटीआर नंबर जाके अपना स्टेटस चेक कर सकता है अपनी पेमेंट का। तो होपफुली गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने यूटीआर नंबर को आप शेयर कर सकते हैं जिसको आपने अपनी पेमेंट की है, ठीक है।